कांग्रेस पार्टी लगातार एक के बाद एक चुनावों में जीत दर्ज करती जा रही है। लोकसभा चुनाव को छोड़ दिया जाए तो कांग्रेस ने बस्तर के दोनों उपचुनाव, नगरीय निकाय चुनाव और अब पंचायतों में भी बड़ी जीत दर्ज की है। कांग्रेस का दावा है कि 27 जिला पंचायतों में 21 पर जीत दर्ज की है। कांग्रेस भवन में इस जीत का जश्न गाजेबाजी और आतिशबाजी के साथ मनाया गया। प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम ने खुद लोगों को अपने हाथों से मिठाइयां खिलाई। कल 100 से ज्यादा जनपद के दावे आपने किए, भारतीय जनता पार्टी ने 46 किए, वो बात अलग है, लेकिन आज जो जीत मिली है संतुष्ट है? बहुत ज्यादा संतुष्ट। हम कहा, पिछले बार विपक्ष में रहते हुए भी 12 जीते थे, इस बार सरकार में रह के 27 में हमने 21 में जीते हैं, तो संतुष्टि तो है। एक दो जगह चूक हुई है, क्योंकि हमारा जो आरक्षण के हिसाब से हमारा प्रत्याशी नहीं जीत पाया था, इस कारण हम कौरदा भी नहीं बना पाए। आज बहुत ज्यादा संतुष्ट है और कहीं ना कहीं हमारे कार्यकर्ता जिस ढंग से मेहनत कर रहे हैं उसी का परिणाम है, आज हम लगातार जीत रहे हैं। कार्यकर्ताओं की मेहनत, इसके अलावा क्या वजह रही जीत? जीत की दूसरी वजह सबसे बड़ी रही सरकार की योजनाएं, कांग्रेस पार्टी की नीतियां, जो यहाँ की छत्तीसगढ़ की 2,80,00,000 जनता को मतलब प्रभावित कर रहे हैं उसी का परिणाम है। डॉक्टर रमन सिंह का कहना है कि राजनांदगांव और कवर्धा में क्रॉस वोटिंग हुई इसलिए उनके प्रत्याशी जीते। देखिए, हमारे पास राजनांदगांव में 10 ही जीते थे, एक जो जिसको घोषित नहीं था उसमें जीता था, तो हम तो 10 वोट मिले, 10 ही वोट हमको मिले। और रही बात कौरदा में हमारे प्रत्याशी जीत नहीं पाया था। अच्छा, ये भी कहा जा रहा है कि जो जिस तरीके से ये पूरे चुनाव हुए उस बीच में आपने कार्यकारिणी भी पूरी तैयार कर ली है, कल रात को बैठे हुए थे, विधायकों के साथ चर्चा की, आज बैठे हुए थे, तो इसके बाद जो कार्यकर्ता, जो आपके नेता बचे हुए हैं उनको भी सौगात देने जा रहे हैं? जी जी, जरूर जरूर। सीएम साहब अमेरिका से वापस होने के बाद नई कार्यकारिणी का गठन होगा, ऐसा हमें उम्मीद लग रहा है। ये थे मोहन मरकाम, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष, जो बता रहे थे कि जीत दरअसल भूपेश सरकार के कामकाज पर मुहर है, कार्यकर्ताओं की मेहनत का नतीजा है और चुनौतियां बड़ी हैं। इसके अलावा उन्होंने कहा कि कार्यकारिणी तैयार है, सीएम के आते ही इसका ऐलान कर दिया जाएगा। कैमरामैन जगन्नाथ के साथ रायपुर से रूपेश गुप्ता।